अमोर प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन सभागार में विधायक एवं अधिकारियों के बीच समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक अब्दुल जलील मस्तान के द्वारा किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद, अंचलाधिकारी अनुज कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी ज्योति सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थाना अध्यक्ष विजय कुमार यादव समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या को विधायक के सामने उजागर किया। बैठक के दरमियान मिन्हाज आलम ने विधायक को अवगत कराया कि अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी दलालों के द्वारा मोटेशन करवाया जाता है। एक राजस्व कर्मचारी के पास 4 से 5 दलाल के द्वारा मोटी रकम की उगाही की जाती है। इस पर विधायक ने अंचलाधिकारी से पूछताछ की। अंचलाधिकारी ने इस संदर्भ में कहा कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। विधायक ने कार्यनीति सुधारने का निर्देश बैठक में दिया। अभी तो ये है विवाद, कमी है ना, चूंकि अभी प्रखंड में बहुत सारा काम अभी भी है जी, उसमें मुख्य जो है शौचालय और ये इंदिरा आवास। अच्छा, इस पर हम फोकस किए तो वो तो ये दिया है, प्रतिवेदन दिया है, इस प्रतिवेदन पर हम लोग जाँच करना चाहते हैं जी, कि आप जिन लोगों को प्रेजेंट किए हैं जी, उन लोगों का कहना है कि बेगर देखे वो प्रेजेंट किया और हम कहेगा आप पहले सब चलिए गेट बनाते हैं तो 4-5 आदमी हम लोग देते हैं शौचालय। उसी तरह खरिया में भी करवाए, अरे भी खरिया में भूतपूर्व संसद पर जी ने क्या नाम उसका एहरा आलम ने इस बात को उठाया जी, और ये भी कहा कि बगैर जाँच ही जो है ये लोग खाली कर देते हैं। विभाग के द्वारा मतलब कमीशन की बात सामने आ रही है, जनप्रतिनिधि लोग शिकायत कर रहे थे। उसका कहना है कि प्रूफ कर दिए, वो प्रूफ की मांग कर रहा है। अगर हम किसी से लिए हैं जी तो बोलेगा नहीं, तो हमने अपने लोगों से कह दिया कि भाई आप लोग बोलते हैं हल्ला गुल्ला, लेकिन जो लोग जिन लोगों से लिया है उन लोगों से उन लोगों को मीटिंग में लाना चाहिए था, तो हम लोग उस पर भी व्यवस्था करते हैं।